गाइस सक्सेस के 98 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शनिवार से हर रोज सुबह 4:30 बजे, जी हां दोस्तों, आप लोग टाइम नोट कर सकते हैं। जिनको भी टाइम को लेकर कंफ्यूजन है, आज से करंट अफेयर्स का क्लास का टाइमिंग बिल्कुल सुबह 4:30 बजे रहेगा। सक्सेस की 98 को जब भी आप ओपन करेंगे सुबह सुबह उठ के, आपको उस दिन का लेटेस्ट करंट अफेयर्स का डाउनलोड मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले टाइम को लेके जिनको कंफ्यूजन है नोट कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का क्लास का टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो गया है और अब कभी भी चेंज नहीं होगा, ये आशा करता हूं। सुबह 4:30 बजे टाइमिंग फिक्स हो गया है करंट अफेयर्स का, ठीक है गाइस। तो जो लोग भी सक्सेस की 98 के साथ नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज है कितना तारीख, 10 तारीख है, सुबह सुबह का वक्त है, आप लोग सोए होंगे, उठते ही इस क्लास को जरूर देखिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन आ गया है आज का, मैं आज आप लोग को इसका डाउनलोड देने वाला हूं। चलिए गाइस, क्वेश्चन का क्वालिटी आज से आप लोग देख पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है और हम लोग क्वेश्चन के ऊपर पूरी तरह से डिटेल के अंदर जा रहे हैं और क्वेश्चन का पूरा ईच एंड एवरी डिटेल मैं आप लोग को आज से बताऊंगा, ताकि आप लोग का कोई भी लेवल का आप लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए यहां से, ठीक है गाइस। तो आज का क्लास स्टार्ट करवाएंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। आज का पहला क्वेश्चन एक बार इसको पढ़ेंगे, इसके 4 ऑप्शन होंगे, देख लेते हैं। 2022 तक भारत को ITU परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया था कितने वोटों से, ये आप लोग को बताना है कितने वोटों से, ठीक है। 165, 145, 131 या फिर 153, ठीक है गाइस। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में हमेशा की तरह बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 165, ठीक है। काफी ज्यादा पटाखे यहां पर रात भर सुबह भर भी बजे ही जा रहे हैं, अभी तक दिवाली खत्म नहीं हुआ सबका। चलिए इसका जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, 165 वोटों से, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में अब आप लोग को बताऊंगा, आप लोग के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, भैया ITU क्या है, ITU क्या है, आप लोग जान लीजिए ITU क्या है। ITU है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जी हाँ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड का जितना भी टेलीकॉम एक्टिविटी होता है उस पर नजर रखता है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन काउंसिल, ठीक है गाइस। तो यहां पर भारत को निर्वाचित किया गया है 165 वोटों के साथ। अब आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसकी जो स्थापना है ये कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है 1865 में, 1865 में इसकी स्थापना हुई है पेरिस में, ठीक है गाइज। और आप लोग को एक चीज याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग इसको नोट करके जरूर रखिएगा। ये सारा डिटेल पहले क्वेश्चन से था। अगर आप लोग बोलेंगे भैया टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर ईच एंड एवरी डिटेल के अंदर जाना है तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। आज से एकदम डिटेल के साथ हर क्वेश्चन का मैं क्लास करवाऊंगा, ताकि आप लोग का ईच एंड एवरी डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए फटाफट अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ गया होगा, एक बार इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। भारत 2019 की शुरुआत से किस देश को कच्चे चीनी के निर्यात को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है, यानी भारत एक्सपोर्ट करने जा रहा है, निर्यात करने जा रहा है कच्चे चीनी का किस देश में फिर से, जो कि फिलहाल बंद था, ठीक है। तो जर्मनी, मलेशिया, चाइना या फिर बांग्लादेश, जर्मनी, मलेशिया, चाइना या फिर बांग्लादेश, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना, जी हाँ, चाइना में भारत फिर से निर्यात करेगा चीनी का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग को इस क्वेश्चन का एक दो डिटेल दूंगा, फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा।
इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा successki98.in पर, लेकिन ये क्लास में जो डिटेल में मैं बता रहा हूँ ये नहीं मिलेगा पीडीएफ में। रिवीजन कर सकते हैं आप लोग, क्लास अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, चाइना की बात कर रहा था मैं, चीनी जो भारत एक्सपोर्ट करने वाला है वहां पर, भारत 2018 का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चीनी के मामले में। जी हाँ, सुगर के मामले में भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है 2018 के लिए। ये चीज आप लोग नोट करके जरूर रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूं कि 2018 में अभी तक 32 MMT, ठीक है, 32 MMT का मतलब क्या हो गया, माइक्रो मिलियन टन सुगर का प्रोडक्शन अभी तक 2018 में भारत कर चुका है। 32 माइक्रो मिलियन टन सुगर का प्रोडक्शन भारत अभी तक कर चुका है, ये चीज आप लोग जरूर नोट रखिएगा। साथ ही साथ 2 माइक्रो टन चीनी का निर्यात भारत चाइना में करने वाला है अब से, ठीक है। तो ये सारा डिटेल आप लोग को नोट करके रखना है। इससे पहले भी भारत अभी तक राइस का एक्सपोर्ट करते आया है चाइना में, नॉन बासमती राइस का, ठीक है, मतलब बासमती नहीं, जो प्लेन राइस होता है उसका एक्सपोर्ट ऑलरेडी भारत करते आया है चाइना के अंदर, सुगर का भी करने वाला है। 2 माइक्रोटन का भारत 2018 के अभी तक 32 मिलियन माइक्रोटन चीनी का प्रोडक्शन कर चुका है 2018 का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश भारत ही है चीनी में, ठीक है गाइस। तो ये सारा चीज आप लोग को याद रखना था इस क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लीजिए एक बार आराम से, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, किस राज्य ने 2018 से ग्रेजुएट लड़कियों के लिए 25,000 रुपए के धन को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, ग्रेजुएट लड़कियों के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जो लड़की भी ग्रेजुएशन पास करेगी। इसको किस राज्य में लागू किया गया है, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो जो भी बच्चे अपडेटेड है करंट अफेयर्स के मामले में उनको जरूर पता होगा, ये न्यूज कल रात को टीवी में भी दिखाया गया है। आपको बताना चाहता हूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बिहार वो राज्य है जो ऐसा करने जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग नोट रखिएगा। अब आप लोग को इसके बारे में मैं बताऊंगा कि लगभग इस स्कीम का बजट जो है वो रखा गया है 300 करोड़ रुपए का। इस स्कीम का बजट रखा गया है 300 करोड़ रुपए का। और साथ ही साथ आप लोग को बता दे रहा हूं 2018 में जो लड़कियां पास आउट करेंगी ग्रेजुएशन, उन सभी को 25,000 रुपए दिए जाएंगे बिहार सरकार की ओर से। तो लगभग एक आंकड़ा रखा गया है कि 1,20,000 लड़कियां इस साल पास करने वाली हैं ग्रेजुएशन, इसलिए इसका बजट लगभग 300 करोड़ फिलहाल रखा गया है। तो ये सारा डिटेल आप लोग को नोट करके जरूर रखना है। इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि मेरा चौथा क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ गया, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। केंद्र मंत्रिमंडल ने कौन से राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है? कौन से राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या झारखंड? तो इसका सही जवाब होगा, सभी नोट रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हमारा चौथे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है गाइस। तो अभी आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन आया है, तो इसका कैपिटल सिटी सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, हैदराबाद है। आप लोग जरूर इसका नोट रखिएगा, हैदराबाद है प्रेजेंट कैपिटल आंध्र प्रदेश का, ठीक है। साथ ही साथ बहुत जगह अगर आप लोग सर्च करोगे इंटरनेट पे, गूगल पे, तो आप लोग को अमरावती का भी नाम फ्लैश होता हुआ दिखाई देगा एज ए कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, अंदर जुडिशरी है ये,
अमरावती, ठीक है। जैसे कि सभी को पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है और दोनों का कैपिटल फिलहाल हैदराबाद ही है, इसलिए तेलंगाना का कैपिटल रखा जा रहा है कि हैदराबाद होगा और आंध्र प्रदेश का अमरावती को कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों का कैपिटल हैदराबाद ही है। तो ये चीज आप लोग जरूर नोट रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपको गूगल सर्च मारने पर भी शायद ना मिले, जो मैं बता रहा हूं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में जरूर इसको अपने नॉलेज में रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब था। अब आप लोग को इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने देखा है ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे गवर्नर्स के नाम आए हुए थे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के नाम है ESL नरसिम्हा या नरसिम्हन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ESL नरसिम्हन है गवर्नर आंध्र प्रदेश के, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहले WHO वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी, पहले की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO का फुल फॉर्म, सभी को पता होगा ये। तो ऑप्शन आपके सामने है न्यू दिल्ली, बीजिंग, काठमांडू या फिर जिनेवा। तो इसका सही जवाब होगा, सारे फ्रेंड्स नोट रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा इसका बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ आप लोग को बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये चीज भी आप लोग नोट रखिएगा जरूर। फटाफट अगले क्वेश्चन में मूव करूंगा, छठे नंबर क्वेश्चन पे। जी हाँ, किस शहर ने अक्षमता 2018 के लिए युवा IT चुनौती की मेजबानी की है, मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। जिनको भी इसका उत्तर पता है वो फटाफट कमेंट कर सकते हैं, इसका सही जवाब मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहां से और कुछ ज्यादा जानकारी रखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन है सी न्यू दिल्ली सही जवाब। आगे बढ़ेंगे सातवें क्वेश्चन पे, सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको एक बार पढ़ेंगे उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना 18वां फाउंडेशन दिवस मनाया है, तो 18वां फाउंडेशन दिवस मनाने वाला कौन सा राज्य है भारत का, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड या मेघालय। फटाफट आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं जिनको भी उत्तर पता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड इसका बिल्कुल सही जवाब है, सारे फ्रेंड्स नोट रखेंगे इसका। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। जी हाँ, देहरादून है उत्तराखंड का कैपिटल, सभी को पता होगा ये ऑलरेडी। साथ ही साथ आप लोग को एक दो चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ CM का नाम, गवर्नर का नाम आप लोग को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे राज्यों का। तो यहां पर पता कर लेते हैं उत्तराखंड के CM का नाम क्या है, तो उत्तराखंड के CM का नाम बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है गाइस। त्रिवेंद्र सिंह रावत है चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, साथ ही साथ इनके गवर्नर का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया नोट रखना बहुत जरूरी है, तो गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। बेबी रानी मौर्य है गवर्नर और ये है CM। तो ये सारा चीज आप लोग को नोट करके रखना है। फटाफट अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक बार इसको पढ़िएगा उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे, ज्यादा बचा नहीं है, आठवां चल रहा है और दो बचे हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले का नाम अयोध्या रखा गया है, सभी को पता होना चाहिए। ये हाल फिलहाल में दिवाली वहां पर गई है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी हुई है और इसी दौरान ये न्यूज बहुत ज्यादा फ्लैश हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले का नाम अयोध्या रखा गया है, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद या फिर कानपुर। तो सभी को पता होना चाहिए, जिनको भी नहीं पता नोट रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद, ऑप्शन नंबर सी फैजाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा इसका जरूर आप लोग नोट रखेंगे, ठीक है। फटाफट अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे जो कि हमारा नवा क्वेश्चन होगा। किस राज्य ने प्रौद्योगिकी संचालित और नागरिक अनुकूल एमओ बस सेवा शुरू की है? तो इनमें से कौन सा राज्य है एमओ बस सेवा शुरू करने वाला, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा या फिर उड़ीसा, ठीक है। तो चार राज्यों के नाम है, जो आपको लगता है इसका सही उत्तर होगा आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका सही जवाब मैं आप लोग को बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में शुरू की गई है ये एमओ बस सेवा, ठीक है। तो एमओ बस सेवा में क्या होता है भैया, तो एमओ बस सेवा में फ्री में वाईफाई दी जाती है, ठीक है, साथ ही साथ सीसीटीवी रहता है, जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का डिटेल भी फ्लैश होता है, बहुत सारा कुछ दिया जाता है एमओ बस सर्विस में। ऑनलाइन आप लोग बुक कर सकते हैं आराम से, तो ये सारे फैसिलिटी दी जा रही है और इसको ये सेवा शुरू की गई है उड़ीसा के अंदर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ये। तो आप लोग ये सारा डिटेल इस क्वेश्चन का जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं बोल रहा था कि आप लोग को चीफ मिनिस्टर गवर्नर का नाम याद रखना जरूरी है, तो उड़ीसा के गवर्नर का नाम आप लोग सभी बताएंगे मुझे कमेंट्स में जो भी फ्रेंड्स लाइव देख रहे हैं। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए गवर्नर का नाम जरूर याद रखिए, सारे राज्यों का क्वेश्चन बन रहा है यहां से, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए इसका गवर्नर का नाम मैं आप लोग को बता रहा हूं, प्रोफेसर गणेशी लाल, जरूर नोट रखिएगा। अभी उड़ीसा के प्रेजेंट गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सभी को पता भी होगा नवीन पटनायक है, तो आप लोग इसका भी नोट रख सकते हैं। फटाफट अगले क्वेश्चन में मूव करूंगा जो कि होगा मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन, टॉप 10 का 10वां नंबर क्वेश्चन। फटाफट देखेंगे क्वेश्चन क्या है। चलिए बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित तीसरे भारत ग्लोबल शिखर सम्मेलन में किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित फेलो के रूप में सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो यह आप लोग को बताना है, प्रतिष्ठित फेलो का इंग्लिश में मतलब होता है डिस्टिंगाइज्ड फेलो, तो डिस्टिंगाइज्ड फेलो बोलकर एक अवार्ड दिया गया है कौन से अभिनेता को, ऑनर किया गया है अवार्ड से डिस्टिंगाइज्ड फेलो का, ठीक है, प्रतिष्ठित फेलो। अनुपम खेर है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है या फिर अमिताभ बच्चन है? तो इसका जवाब आप लोग को मैं बता रहा हूं, जरूर नोट रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए अनुपम खेर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जरूर नोट रखेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ आप लोग को रिलेट करना होगा एक और क्वेश्चन मैंने कराया था FTTI, याद है ये क्या होता है, FTII माफ कीजिएगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहां से हाल फिलहाल में ही अनुपम खेर ने इस्तीफा दे दिया था, जो करंट अफेयर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोग को करा दिया था, तो ये दोनों चीज अनुपम खेर से रिलेटेड है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया, तो आप लोग ये दोनों चीज जरूर याद रखिएगा। अब आप लोग को बता दे रहा हूं इस क्लास का PDF तो आप लोग को मिल ही जाएगा हमारे वेबसाइट पर, सभी को पता है हमारा वेबसाइट क्या है, जो भी लोग रेगुलर PDF डाउनलोड करते हैं, सक्सेस की 98.in है, तो सक्सेस की 98.in पर जाइएगा, इस क्लास का PDF आप लोग को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छे से और आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा जब भी आपका जरूरत पड़े रिवीजन करने का, ठीक है। अब आप लोग अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस टाइप का क्लास मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप लोग को, डिटेल में क्वेश्चन जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आप लोग को सुबह सुबह ही सारा डाउट करंट अफेयर्स का डिटेल के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ कल सुबह भी आएगा करंट अफेयर्स का क्लास, आप लोग हर रोज सुबह 4:30 बजे से देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्लास हमारे चैनल पर सक्सेस की 98 पर, ठीक है गाइस। चलिए इसी के साथ आप लोग से अलविदा लेता हूं, गुड मॉर्निंग, अच्छे से दिन का शुरुआत कीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, हर दिन स्पेशल होता है सभी के लिए, टेक केयर गाइज, बाय बाय।